आदाब, मैं हूं शाहिन और आप देख रहे हैं पीएनएल 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। महंगाई आसमान पर और शेयर बाजार जमीन पर, और ऐसे में ताजमहल के नीचे क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है कि ताजमहल में बंद 20 कमरों में क्या है ये जानना और ज्यादा जरूरी है। इन सबके बीच भारत सरकार ने गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। आइए रुख करते हैं और खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में शिकारियों को पकड़ने गए 3 पुलिस कर्मियों की शिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। घटना गुना जनपद के आरोन थाना क्षेत्र स्थित बड़खेड़ा गांव की है। इस दरमियान पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में नौशाद नाम का एक शिकारी मारा गया है, जबकि 6 पशु शिकारी फरार हो गए हैं। फायरिंग में मृत पुलिस कर्मियों में SI राजकुमार जाटव और आरक्षक नीरज कुमार और संतराम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक पुलिस कर्मियों को शहीद का दर्जा देते हुए आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की है, तथा घटना स्थल पर देर से पहुंचे IG ग्वालियर अनिल शर्मा को उनके पद से हटा दिया है। केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। ऐसा भारत में बढ़ती घरेलू कीमतों को रोकने के लिए किया गया है। बताते चले कि 2 दिन पहले ही सरकार ने निर्यात को लेकर बड़ा लक्ष्य रखा था। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री P. चिदंबरम ने ज्ञानवापी प्रकरण पर कहा कि देश में पूजा स्थलों की सुरक्षा तय होनी चाहिए और यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार काफ़ी सुस्त है। सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई अस्वीकार स्तर तक बढ़ गई है। मुंडका अग्निकांड में मृतकों की संख्या हुई 27। मुख्यमंत्री ने किया 10-10 लाख मुआवजे की घोषणा। शांति और सौहार्द के माहौल में हुआ ज्ञानवापी का सर्वे, कल भी जारी रहेगा सर्वे। कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड के बाद अब एक और चुनावी राज्य त्रिपुरा के CM ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले CM विप्लव कुमार ने कहा है कि वह पार्टी कार्यकर्ता के रूप में करेंगे काम। आजमगढ़ में गैस सिलेंडर में हुई रिसाव से लगी आग में 2 मासूमों सहित 6 लोग झुलसे। घटना बरधा थाना क्षेत्र के बहाउद्दीनपुर गांव की है। घटना में 8 साल की इकरा और 12 साल की जोया सहित सोफिया, तरन्नुम रहमान और लाडली बुरी तरह झुलस गए हैं। बागे बाजार बिहार निवासी युवक विक्रम को GRP मुगलसराय ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर 94 लाख का सोना किया बरामद। पुलिस मामले में जाँच कर रही है। अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मई को करेंगे प्रस्तुत। बजट में किसानों को मुफ्त बिजली मिलने की है संभावना। ये थी आज की प्रमुख खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं शाहिन बनासी आपसे इजाजत लेती हूँ। राम राम, दुआ सलाम।